आज 15 अगस्त 2024 के पर्व पर हमारे साथ है प्रदीप डोभाल जी। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री संतोष कुमार डोभाल जी की स्मृति में आज यहाँ पर पौधारोपण किया है। पहले तो धात की इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं अक्सर कहता हूँ कि स्मृति वन हमारे लिए मिला जुला सा हुआ है। एक तरफ हम अपने प्रियजन और पूर्वज को याद करते हैं, दूसरी तरफ हम उनको जीवित देखने के लिए वृक्ष लगाते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हमें ही नहीं पूरे समाज को वृक्ष के रूप में देते रहे। तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको स्मृति वन देख करके और धात की ये पहल देख करके? स्मृति वन वैसे तो बड़ा खूबसूरत है और जो धात का पुरुषार्थ यहाँ पे है, एक छोटा मोटा जंगल यहाँ पे बना है, उसके लिए धात की इस पहल के लिए मैं धात को बहुत बहुत शुभकामना भी धन्यवाद भी देता हूँ। एक वृक्ष मेरे हाथ से लगा, वैसे तो हरेला का पर्व पूरा महीना धात मनाता है उसी उपलक्ष में। दूसरा, अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 15 अगस्त आजादी के इस पर्व पर मुझे ये पौधारोपण करने का अवसर मिला। और उससे भी ज्यादा कि आज हमारे पिताश्री की मृत्यु हुई थी, पुण्यतिथि उनकी आज, तो मेरी भावनाएं, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी स्मृति में ये पौधा बड़ा रूप ले, पेड़ का, वृक्ष का। और उनका जो जीवन था, जिस तरह से उस समय उस दौर में आम भारतीय लोगों का मकान घर रहन सहन होता था, उससे अनुसार बहुत साधारण परिवेश था। उसके बाद इंडियन आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पर एजुकेशन कोर में उन्होंने सर्विस की, 23 साल अपने दिए। उन्होंने बहुत से फौजियों को शिक्षित वापस किया, शिक्षा का काम वही होता था। उस समय जो फौजी होते अनपढ़ होते थे तो उनको पढ़ाने लिखाने का काम वहाँ पर करते थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक विद्यालय भी चलाया जो उन्हीं की यूनिट 11 गोरखा जूनियर हाई स्कूल के नाम से चला। एक समय था कि जहाँ 550 बच्चे उस विद्यालय में थे, लेकिन समय की गति में जिस तरह से हमारे सरकारी स्कूल हो गए, आज बच्चे विहीन विद्यार्थी नहीं है, तो उसी अवस्था में वो चला गया। उसका हमें बड़ा दुख है। मैं चाहता हूँ कि उनकी स्मृति हमेशा मन में बनी रहे, उनके दिखाए रास्ते पर हम हमेशा चलते रहें। जय राम। धन्यवाद डोभाल जी, पितरों का आशीर्वाद सतत काल तक आपके परिवार पर बना रहे ये हमारी कामना है और पितर आपके स्वर्गलोक में विचरण करें ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।